आज हम देखेंगे अगर आपको सस्ते में ग्राफिक कार्ड खरीदना हो आप कहाँ से खरीद सकते हो। यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे Amazon, MD कंप्यूटर, वेदांत कंप्यूटर और प्राइम ABGB, सभी पर हम जाएंगे और वहाँ पर प्राइसिंग देखेंगे। और बेसिकली यहाँ पर मैं दो ग्राफिक कार्ड के प्राइसिंग कंपेयर करूँगा। एक आपको थोड़ा सा पुराने ग्राफिक कार्ड लेंगे जो कि है GTX 1660 Super, दूसरा होगा नया वाला ग्राफिक कार्ड जो कि होगा RTX 3060। दोनों की प्राइसिंग हम पता करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर सबसे सस्ता ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है। तो चलिए पहले चलते हैं यहाँ पर अमेज़ॉन पर। यहाँ पर हम अमेज़ॉन पर आ चुके हैं, यहाँ पर हम सर्च करेंगे 1660 Super। तो चलो देखते हैं यहाँ पर क्या प्राइसिंग पड़ने वाली है। जैसा आपको देख पा रहे हो यहाँ पर अमेज़ॉन पे कोई भी ग्राफिक कार्ड नहीं है, 6050 तो खैर है ही नहीं है, सारे आउट ऑफ स्टॉक है। और हाँ, कुछ लोग कहते हैं ना भाई खोल के देखा करो, अंदर प्राइसिंग देखने को मिलती है, मान तो मिलती है, बट ये ग्राफिक कार्ड सच में ही ख़त्म है, इनके पास कोई भी प्राइसिंग में नहीं है। हम जरा एक और ट्राई कर लेते, एक दो तीन और, असूस में भी नहीं होगा शायद, आई होप, एंड लेसी, हाँ इनके पास यहाँ लिखा होता है अगर इनके पास कोई हाई मतलब प्राइस बढ़ गई है इनकी या फिर कोई और कारण, तो यहाँ लिखा होता है, बट हाँ इनके पास है ही नहीं एक्चुअली। अब आपने यहाँ पर देख लिया होगा कि जोटेक्स का भी कोई ग्राफिक कार्ड इनके पास नहीं है, तो अमेज़ॉन पर 1660 सुपर ग्राफिक कार्ड आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक है चलो, तो अगला ग्राफिक कार्ड था हमारा 3060। इस ग्राफिक कार्ड को चेक करते हैं, ये ग्राफिक कार्ड भी ऑलमोस्ट आउट ऑफ स्टॉक है, पीसी बिल्ड के साथ मिल रहा है लेकिन 2.5 लाख। खैर ये छोड़ो, ग्राफिक कार्ड को पढ़ाते हैं। ग्राफिक कार्ड तो खैर गाइस नहीं देखने को मिल रहा है, फिर भी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। देखो अंदर भी कहीं भी कोई नई प्राइसिंग नहीं दे रखी है, तो अमेज़ॉन पे ऑलमोस्ट 3060 ग्राफिक कार्ड ख़त्म है। तो यहाँ पर अमेज़ॉन को बिल्कुल हटा दीजिए अपनी लिस्ट से, आपको अमेज़ॉन पर कोई ग्राफिक कार्ड नहीं मिल पाएगा अभी तक तो। बाकी चलो अमेज़ॉन को बंद करते हैं, फिर आते हैं यहाँ पर एक बहुत बढ़िया आपकी वेबसाइट है जो काफ़ी फेमस है, वो है MD कंप्यूटर। यहाँ पर सर्च करते हैं MD कंप्यूटर। तो चलिए यहाँ पर भी ग्राफिक कार्ड की प्राइसिंग देखते हैं क्या देखने को मिलती है। एंड पहले हम सर्च करेंगे 1660 Super। तो यहाँ पर 1660 सुपर के बेसिकली काफ़ी सारे वेरिएंट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, 48 में, 55 में, 1 लाख, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एंड 55 500 में शायद एक और भी था, हाँ 55 400, मतलब 500 रुपये का अंतर है। एंड 57 है, 56 है, 54, ये तो खैर सुपर वाले वेरिएंट नहीं है, खाली नॉर्मल है। तो सबसे सस्ता जो देखने को मिले वो दो ग्राफिक कार्ड है, 55 999 और 55 499। बट गाइस मान तो 500 रुपये सस्ता है, बट कलरफुल एक अच्छा ब्रांड नहीं कह सकते, क्योंकि आफ्टर सेल सर्विस मतलब सर्विस सेंटर इंडिया में बहुत कम है इसके, और जो Inno 3D है उसके सर्विस सेंटर है, अगर कोई दिक्कत आती है तो आपको एक बेनिफिट देखने को मिलता है, तो इसे आप रेकमेंड करना। बाकी इसकी प्राइसिंग देख लेते हैं, 55 999। ओके तो इसकी ये प्राइसिंग है। तो चलो एक और टैब खोलते हैं, वहाँ पर हम सर्च करते हैं अपना दूसरा ग्राफिक कार्ड एंड देखते हैं उस ग्राफिक कार्ड की क्या प्राइसिंग होने वाली है। दूसरा ग्राफिक कार्ड हमारा वही 3060 को हम देखेंगे यहाँ पर, एंड 3060 सर्च करते हैं, देखते हैं कौन सा ग्राफिक कार्ड यहाँ पर निकलता है। एंड आप देख पा रहे हो यहाँ पर काफ़ी सारे ग्राफिक कार्ड है, तो जो सबसे सस्ता जो ग्राफिक कार्ड वो 82 है और 85 तक गए हैं। एंड हाँ ये 80 तक ही होने वाला है। क्या प्राइसिंग है इसकी, 80 999, मतलब 81 के आसपास ही समझो आप। बाकी चलो ये दोनों ग्राफिक कार्ड की प्राइसिंग होगी। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अपनी अगली साइड जो कि है वेदांत कंप्यूटर। एंड ये मैं बताऊँ गाइस, ये मेरी फेवरेट साइड है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चीज़ें मैं खरीदी है मैंने यहाँ से खरीदी है। एंड देखते हैं चलो इस पर क्या प्राइसिंग पड़ने वाली है। एंड पहला सर्च करते हैं 1660 सुपर ग्राफिक कार्ड, देखते हैं कैसे क्या प्राइसिंग होने वाली है इसकी। एंड यहाँ पर भी काफ़ी सारे ग्राफिक कार्ड आ चुके हैं। एंड जो सबसे सस्ता होने वाला है गाइज, वो होने वाला है दो ग्राफिक कार्ड है, MSI और जोटेक्स, 56 900 है, ये भी 56 900 है। गाइज जो इन दोनों में से पसंद हो आप ले सकते हो, बट हम एक तरह से प्राइस कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर देखो जोटेक्स भी ले सकते हो, MSI भी ले सकते हो। जोटेक्स में 5 साल गारंटी देखने को मिलेगी, MSI में 3 साल गारंटी देखने को मिलेगी। दोनों ब्रांड काफ़ी अच्छे, आफ्टर सेल सर्विस तो खैर MSI की काफ़ी अच्छी है, तो कोई सा आप ले सकते हो। मैं एक तरह से एग्जांपल के लिए जोटेक्स आपको बता रहा हूँ, तो जोटेक्स 6050 सुपर।
एंड विद एम डी कंप्यूटर में कितना मिल रहा था आपको 55,999, यहाँ पर कितना है आपका 56,900, मतलब कह सकते हो 900 रुपये या 1,000 रुपये का, 1,000 का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, तो 1,000 रुपये महंगा देखने को मिल रहा है वेदांत कंप्यूटर पे। एंड चलो एक और टैब खोलते हैं, वहाँ पर हम सर्च करेंगे अपना दूसरा कार्ड जो कि है 3060 RN, उसकी प्राइस भी पता करेंगे आखिर क्या प्राइस है उसकी। तो चलते हैं फिर सर्च करते हैं आपका 3060। तो इसकी जो प्राइसिंग, खैर काफ़ी सारे ग्राफिक कार्ड है, तो पांच ग्राफिक कार्ड, पांच यानी चार, ये तो खैर एक पीसी है जो टैक्स मैक, हाँ है पीसी है, तो चार ग्राफिक कार्ड है। इसमें से सबसे सस्ता जो ग्राफिक कार्ड हुआ है दूसरे नंबर का इनोथेटी की तरफ से 80,900, एंड यहाँ पर 80,900 का है, तो फिर एम डी कंप्यूटर पर कितने का है ये, एम डी कंप्यूटर पर, हाँ एम डी कंप्यूटर पर 999। तो और यहाँ पर कितना है 80,900, तो मतलब 100 रुपये का अंतर है, लेकिन 100 रुपये अगर छोड़ दो तो मतलब एक तरह से कह सकते हो कि सेम प्राइस है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कोई खासा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 100 रुपये का डिफरेंस है, बट अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम प्राइसेस देखने को मिलते हैं आपको एम डी कंप्यूटर और वेदांत कंप्यूटर पर। हाँ हालांकि 1660 सुपर जो ग्राफिक कार्ड था वो 1,000 रुपये महंगा था वेदांत कंप्यूटर पर, बट अगर बात की जाए थोड़े से नए लेटेस्ट कार्ड की तो वो ऑलमोस्ट सेम प्राइस पर है। तो चलिए एक और आपकी जो साइड है उसको भी हम सर्च कर लेते हैं, जो कि है प्राइम आपकी ABGB। इस पर हम देखते हैं प्राइसिंग क्या पड़ने वाली है। अब यहाँ पर आ चुके हम प्राइम ABGB, यहाँ पर सर्च करते हैं 1660 सुपर ग्राफिक कार्ड एंड देखते हैं कितने का मिलेगा ये ग्राफिक कार्ड। क्या सच में ये ग्राफिक कार्ड 25,900, गाइस देखते हैं 6050 सुपर 25,900 एंड या आउट ऑफ स्टॉक, तो गाइज आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट भी यहाँ पर लिस्ट कर रखे हैं। क्या ही बोलूँ अब, जो चीज़ ख़त्म हो गई उसे दिखा क्यों रहे हैं, ख़त्म तो हो गई ना। एंड गाइज मुझे लगता है सारे आउट ऑफ स्टॉक है, ज़रा एक बार खोल के देखते हैं, कोई थोड़ा सा महंगा सा खोलते हैं, 30,000 कोई ग्राफिक कार्ड मतलब सही देखते हैं, आई होप ये आउट ऑफ स्टॉक ना हो। एंड हाँ गाइज ये भी आउट ऑफ स्टॉक है, लेट्स सी एक बार प्राइस देखने दो। एम डी कंप्यूटर 56,900 का था, तो इसी प्राइस में कोई देखते हैं यहाँ पर कोई ग्राफिक कार्ड में दिख जाए। हाँ यार साइट स्लो है, हाँ तो 55 के आसपास देखने को मिल रहा है, एंड ये ना 6050 सुपर, हाँ उसी एडिशन, तो देखते हैं वेदांत कंप्यूटर पे कितने का था, वेदांत कंप्यूटर पे था 56,900, यहाँ पर 55, और ये भी आउट ऑफ स्टॉक है। अब गाइज मैं क्या बोलूँ, 6050 सुपर यहाँ पर मैंने कुछ ग्राफिक कार्ड चेक करे आउट ऑफ स्टॉक है, एंड मुझे लगता है इनके पास सारे ही आउट ऑफ स्टॉक है, हालांकि ये सब प्रोडक्ट हटा देने चाहिए जो ख़त्म हो चुके हैं, पर पता नहीं क्या ही मेंटेनेंस कर रहे हैं इसकी। तो चलो अगले ग्राफिक कार्ड बढ़ते हैं जो कि 3060, देखते हैं क्या प्राइसिंग पड़ने वाली है इसकी, इस ग्राफिक कार्ड की, या साइट स्लो है सच में, टाइम लेती है ओपन होने में, एंड जिनको ऐसा लगता है ना वो यात्रा एक बार यहाँ पर देखो, अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ ना कितना टाइम लेते हैं रिफ्रेश होने में, तुरंत रिफ्रेश हो गए देखो, बट अगर इसको रिफ्रेश करें तो अब आप खुद देख लो अपनी स्क्रीन पर कितना टाइम लगने वाला है, रिफ्रेश अभी हुई नहीं है इतनी देर में, अब जाके रिफ्रेश हुई है, तो साइट सच में थोड़ी बहुत स्लो है। अब यहाँ पर आ चुके हैं हम यहाँ पर इनके ग्राफिक कार्ड जो कि 3060 60,000, मुझे लगता है मेरे ख्याल से आउट ऑफ स्टॉक होंगे, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, 59,983, मतलब देखते हैं आउट ऑफ स्टॉक, हाँ जी गाइस आउट ऑफ स्टॉक है, ये भी ख़त्म है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा जब कोई चीज़ आउट ऑफ स्टॉक है इन्होंने लिस्ट क्यों कर रखी है वो चीज़ जब वो ख़त्म हो चुकी है। एंड रुको एक बार देखने दो, वेदांत कंप्यूटर पर 80,900 का था, एंड इसी प्राइस में कोई देखते हैं इनके पास 82, थोड़ा सा महंगा गाइस देख लो 2,500 रुपये, आई होप ये स्टॉक में होगा। एंड फाइनली ये नहीं, ये भी आउट ऑफ स्टॉक है। सो गाइस देख लीजिए यहाँ, अगर आप देखते हो यहाँ पर प्राइम ABGB पर यहाँ पर कोई ग्राफिक कार्ड नहीं मिल रहा है, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया 1650 सुपर के काफ़ी सारे ग्राफिक कार्ड यहाँ पर दिखा रहा था काफ़ी लो प्राइस में, बट वो सारे आउट ऑफ स्टॉक है। सेम केस 3060 के साथ भी था, काफ़ी सारे ग्राफिक कार्ड दिखा रहा था बट आउट ऑफ स्टॉक है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको कोई भी ग्राफिक कार्ड खरीदना है ना आप खरीद सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं रेकमेंड करूँगा वेदांत कंप्यूटर,
और AMD कंप्यूटर दोनों साइड काफ़ी अच्छी है, जहाँ से आपको खरीदना हो वहाँ से खरीद सकते हो। बस यहाँ पर प्राइसिंग आप देख लेना, जो ग्राफिक कार्ड खरीद रहे हो कहाँ पर सस्ता मिल रहा है, वेदांत कंप्यूटर या फिर AMD कंप्यूटर, दोनों साइड आपस में बहुत अच्छी साइट है। एंड प्राइम खैर मैं क्या ही बोलूँ, आउट ऑफ स्टॉक चीज़ अभी भी इन्होंने लगा रखी है बाहर डिस्प्ले पर, जो कि एक तरह से गलत है, एक तरह से मैनिपुलेट करना होता है कस्टमर को। बात करें ना ग्राफिक कार्ड की, तो आप वेदांत कंप्यूटर से ले लो या फिर AMD कंप्यूटर से, दोनों साइड अच्छी है। एंड दोनों कंपेयर कर लेना, जो ग्राफिक कार्ड आपको लेना है दोनों में से कहाँ पर सस्ता मिल रहा है वहाँ से आप ले लो। एंड आज की वीडियो में बस मुझे यही दिखाना था, अगर आप कोई भी ग्राफिक कार्ड लेते हो तो आपको सबसे सस्ता ग्राफिक कार्ड कहाँ मिलेगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ के साथ दबा सकते हो बेल आइकन को भी, जिससे आपको मिल जाए इंस्टेंट नोटिफिकेशन। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।